आज कांग्रेस ने मुल्क गीर पैमाने पर बड़ी तैयारियां की हैं ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ। सोनिया गांधी को पेश होना है ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की और जरा बताइए क्या सरगर्मियां अभी चल रही हैं कांग्रेस दफ्तर के आसपास? बिल्कुल मुमताज, देखिए सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली में सत्याग्रह की बात कही गई है। जहां हम इस वक्त मौजूद है मेरे बाई तरफ ही थोड़ी दूर पर ही यहीं पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पहले जाने की इजाज़त मीडिया को भी अंदर एक तरीके से रोका जा रहा था, ये आरोप भी लगे थे कांग्रेस ने भी लगाए थे सुबह से, लेकिन अब मीडिया की एंट्री 24 अकबर रोड तक हो गई है, यानी कांग्रेस दफ्तर तक मीडिया आराम से अब जा पा रहा है। और कांग्रेस के जो कारकुनान हैं उनको रोकने के लिए पुलिस ने एक पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है निज़ामुद्दीन से लेकर दूसरी तरफ आप देखेंगे बारह खंबा रोड, कनाट प्लेस और एक तरफ लोधी रोड, और इधर की अगर बात करते हैं तो आईटीओ तक पूरा एक जो सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है चारों तरफ से पुलिस ने इस तरह से बैरिकेड्स किए हुए हैं कि एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। ये कोशिश पुलिस कर रही है कि कांग्रेस जो कारकुनान है वो इकट्ठा ना होने पाए। रात से ही इस पर अमल शुरू हो गया था और हम देख रहे हैं कि रात से ही बड़ी चेकिंग की जा रही है। एक चीज़ जो जानकारी निकल कर सामने आई है मुमताज़, वो ये है कि सोनिया गांधी के साथ 11 बजे प्रियंका गांधी भी जाएगी, क्योंकि सेहत ठीक नहीं है सोनिया गांधी की और मेडिकल जो सिचुएशन है इस वक्त उसी के मद्देनज़र ये इजाज़त मिली है सोनिया गांधी को कि वो अपनी बेटी को ले जा सकती है। तो अभी ये भी जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर सोनिया गांधी अकेले नहीं जाएगी, अब प्रियंका गांधी भी उनके साथ जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। और अंदर जाहिर सी बात है कि सवाल जवाब सोनिया गांधी से होंगे, लेकिन आज चूंकि संसद भी चल रही है, पिछले आज तीसरा दिन है संसद का, तो तमाम जो अपोजिशन के नेता है वो भी दिल्ली में मौजूद है और कांग्रेस के सभी सांसद दिल्ली में मौजूद है। दूसरे जो नेता है वो भी आ गए हैं दिल्ली में। रात मीटिंग भी एक हुई थी डिनर के बहाने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज़ पर, वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो इकट्ठा हुए थे और आज के लिए हिकमत अमली बनाई थी। सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर जमा है और यह एक चोरी छिपे है या कहे कि एक तरीके से छिप कर तमाम जो कार्यकर्ता है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ईडी दफ्तर के बाहर जब सोनिया गांधी पहुँचे तो वहाँ वो पहुँच जाए किसी तरह से, ताकि अपनी जो एक ताकत है सियासी तौर पर उसको दिखा सके। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो सत्याग्रह कर रही है और यह आरोप लगा रही है कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। सरकार कहती है कि एक ये कानूनी प्रोसेस है जो अदालत में भी चल रहा है और ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, करप्शन का इशू है। बीजेपी ये कहती है, बीजेपी आरोप लगाती है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसमें सहयोग देना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और दूसरे जो अपोजिशन लीडर है वो इस बात को कह रहे हैं कि जानबूझकर एक सुर्खियां बटोरने के मकसद से या कहे कि एक चीज़ दिखाने के मकसद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी से 5 बार पूछताछ हुई थी ईडी की, तकरीबन 50 घंटे तक। तो देखना होगा कि 11 बजे सोनिया गांधी कुछ देर के बाद जब जाएगी तब तस्वीरें हम दिखाएंगे कांग्रेस कार्यालय के बाहर से लेकर, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के जो नेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता है वो भी जमा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस पूरे चैलेंज के साथ इसको ले रही है और ये कोशिश कर रही है कि सेंट्रल दिल्ली के इस इलाके को एक तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को जमा होने से रोका जाए। इसकी दो और मुख्य वजह है, एक तो सोनिया गांधी जा ही रही है आज ईडी दफ्तर, साथ ही साथ आज राष्ट्रपति इलेक्शन की बात करें तो उसके नतीजे भी आ रहे हैं संसद से में, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो भी चल रहा है, वहाँ पर तमाम पार्टियों के जो दलों के सांसद हैं वो मौजूद हैं, तो सुरक्षा कारणों में किसी तरह की चूक ना हो और ना ही एक बड़े जुलूस की शक्ल में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो सके, ये तमाम कोशिशें पुलिस की तरफ से इस वक्त की जा रही है। एक बड़े चैलेंज के तौर पर पुलिस ने इसको लिया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, इसी क्रम में पहले राहुल गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ हुई अलग अलग 5 दिनों में, और आज जब सोनिया गांधी जाएगी तो देखना होगा कितने घंटों तक पूछताछ होती है। हालांकि सोनिया गांधी की जो सेहत है वो उतनी अच्छी अब नहीं है जिस तरह से पहले थी, क्योंकि पिछले दिन वो बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थी, पहले भी समन किया गया था, लेकिन सेहत का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने वक्त मांगा था और आज का वक्त ईडी ने दिया कि 21 तारीख को आप आइए, आपसे पूछताछ होगी। और अब सोनिया गांधी कुछ देर के बाद 11 बजे ईडी के दफ्तर जाएगी और उनके साथ प्रियंका गांधी भी होगी। मुमताज़, शेब इस
मुजाहरे को देखते हुए कांग्रेस की जानिब से जो ऐलानात किए गए, हालांकि कांग्रेस ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है, इजाजत इस तरह के मुजाहरों को नहीं दी गई है, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है इसे देखते हुए, क्या रूट डायवर्जन भी उसमें शामिल है? बिल्कुल, देखिए जो अभी जो स्थिति है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं, चाहे हम जो राष्ट्रपति भवन है या पीएमओ या जो दूसरे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है, अगर उनकी बात करें तो अक्सर लोग जो निज़ामुद्दीन की साइड से जाते हैं तो अकबर रोड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ जाने के लिए। इसके अलावा शास्त्री भवन जाने वाले लोग अशोका रोड से होते हुए जाते हैं शास्त्री भवन की तरफ, जहाँ पर कुछ खास महत्वपूर्ण जो विभाग है सरकार के, तो काफ़ी चहलकदमी दिन के वक्त यहाँ पर। दूसरे जो बड़े नेता है, जो महासचिव है अलग अलग अलग, वो भी दिल्ली में जमा है और रात मीटिंग में भी वो शामिल हुए थे। इसके अलावा जो प्रभारी है अलग अलग सूबों के, उनको भी दिल्ली बुलाया गया, और सांसद तो दिल्ली में है ही क्योंकि संसद चल रही है। कुल मिलाकर तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं, वो तमाम लोग सत्याग्रह करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है, यानी कि वो प्रदर्शन करेंगे और कोशिश की जाएगी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। जिस तरह से खबर आ रही है, कुछ अपोजिशन के जो नेता है दूसरी पार्टियों के, शरद पवार और दूसरे जो नेता है, वो भी इस मामले में लगातार फिर आपसे अपडेट लेंगे। तमाम सूरत हाल पर आप नजर बनाए रखिए, शेब फिर आपसे जुड़ेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया शेब, ये तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।